Hello students, in this video lecture we will discuss trigonometric ratios for some angles. कुछ certain rules है जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे. In the previous video lecture we have discussed these rules. तो our working steps should be स्टेप वन में आपको क्या करने हैं, दो काम करना है. पहला तो चेक क्वाड्रांट. ओके, क्वाड्रांट को चेक करना है और क्वाड्रांट चेक करना है यानी रिवॉल्विंग रे किस क्वाड्रांट में लाई करेगा. और इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड कि कैसे हम लोग साइन लगाते हैं. जैसे इसमें क्या होता है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऐसा हमने पढ़ा था, राइट. इसमें ऑल आर पॉजिटिव, इसमें ओनली साइन एंड कॉस एक आर पॉजिटिव, इसमें क्या था ओनली टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, इसमें क्या था ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, है ना. ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके थे. स्टेप टू में क्या करना है, चेक एन. एन को देखना है कि ये इवेन है या ऑड है, इवेन है या ऑड है. यदि इवेन होगा, इवेन होने पर क्या है, नो कन्वर्सन. इट मीन्स व्हाट, कि साइन जो है साइन ही रह जाएगा, कॉस जो है कॉस ही रहेगा, टैन जो है टैन ही रह जाएगा, राइट. इसी तरह कॉस कॉसेक सेक कॉट ही रह जाएगा. बट यदि ऑड हुआ, यदि ऑड हुआ तो क्या होगा, कन्वर्सन होगा. और कन्वर्सन कैसे होगा, तो साइन जो है किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन कॉट में और कैट कॉट टेन में. इसी तरह कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में कन्वर्ट होगा. ओके, तो यही दो स्टेप्स में हम लोग इसको फॉलो करके कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 माइनस थीटा. ओके, तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, इन इस वे मैंने सब लिख दिया. ओके, तो चले स्टेप वन क्या है, चेक क्वाड्रांट. 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रांट में लाई करेगा, ठीक है. तो 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रांट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रांट में, क्योंकि यहां तक तो 90 है, 90 से थोड़ा कम, फर्स्ट क्वाड्रांट में लाई करेगा, ठीक है. तो चेक क्वाड्रांट, फर्स्ट क्वाड्रांट में ऑल आर पॉजिटिव, यानी इन सभी के वैल्यूज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे. तो बस प्लस लगा दो, सारी बात समझ में, सभी क्या होंगे इसमें, पॉजिटिव होंगे. अब हमें चेक करना है चेक एन, इवेन है या ऑड है. तो देखो लिखा क्या है, 90 माइनस थीटा, 90 इट मीन्स 1 टाइम्स 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, राइट. या 90, इस 90 को डिवाइड करो 90 से तो कितना आ रहा है, 1, और 1 क्या है, ऑड है. अरे बात समझ में, चेक एन, एन को चेक कर रहे हैं, एन क्या आ रहा है, ऑड, और ऑड में क्या होगा, कन्वर्सन होगा, साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, ठीक है. तो इस तरह से होगा, तो यहां कन्वर्सन होगा, यानी साइन को कॉस लिखेंगे, कॉस थीटा, कॉस का क्या होगा, साइन थीटा, टेन से कॉट थीटा, कॉसेक से सेक थीटा, सेक से कॉसेक थीटा, और कॉट से
टेन थीटा हो जाएगा। ओके आप इसे नोट करें। ओके तो अब हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? देखो तो 90 तो यहां तक है, प्लस थीटा रिवॉल्विंग रे किसमें आ गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है तो सेकेंड, तो सबसे पहला स्टेप ऑन चेक क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है? साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। तो साइन का वैल्यू यहां है, साइन इस साइन का वैल्यू और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है और एन का वैल्यू फाइंड करना है, तो 90 प्लस थीटा, इस 90 को 90 से डिवाइड करो तो कितना आ रहा है? 1 1, यानी ऑड, ऑड यानी कन्वर्सन होगा साइन कॉस में, कॉस साइन में, तो साइन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस से क्या हो जाएगा? साइन थीटा। टेन हो जाएगा कॉट थीटा। कॉसेक सेक थीटा, सेक कॉसेक थीटा, कॉट टेन थीटा, राइट। इसे नोट करें। देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो 180 माइनस थीटा का, तो सबसे पहले क्या करना है? चेक क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट चेक करते हैं। 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? तो देखो यहां तक तो 180 हो गया, 180 माइनस थीटा, 180 से थोड़ा कम, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है? साइन का वैल्यू और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो साइन का वैल्यू और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव। बात आ रही है समझ में? अब देखिए 180 माइनस थीटा, इस 180 को 90 से डिवाइड कीजिए। अब हमेशा 90 से डिवाइड करने पे ही हमें क्या मिलेगा? n का वैल्यू मिलेगा। तो n निकालना है तो कैसे? 180 डिवाइडेड बाय 90 कितना आ रहा है? 2, और 2 इज इवेन, 2 तो हो गया इवेन, और इवेन में नो कन्वर्सन, ठीक है, नो कन्वर्सन, साइन का साइन, कॉस का कॉस, तो इस तरह से साइन क्या हो गया? साइन थीटा, कॉस कॉस थीटा, टेन टेन थीटा, कॉसेक कॉसेक थीटा, सेक हो गया सेक थीटा, कॉट हो गया कॉट थीटा, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, बनाते हैं, सॉरी इसे नोट कीजिए। ओके अब देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा क्वाड्रेंट चेक करते हैं किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो 180 तो यहां तक है, 180 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए क्या होता है, टी यानी टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, तो टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, तो कौन कौन सा? यहां हो गया टेन पॉजिटिव और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव। सबसे पहला स्टेप ऑन क्या है? चेक क्वाड्रेंट, ठीक है ना, पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो गया? नेगेटिव। और फिर से एन का वैल्यू निकालना है, 180 को 90 से डिवाइड करेंगे कितना? 2 आएगा, 2 यानी इवन, इवन का मतलब नो कन्वर्सन, तो साइन हो गया साइन थीटा, कॉस हो गया कॉस थीटा, टेन टेन थीटा, कॉसेक कॉसेक थीटा, सेक सेक थीटा, कॉट हो गया कॉट थीटा, ठीक है ना। इसे नोट करें। ओके अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो 270 माइनस थीटा देखने जा रहे हैं, तो 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ठीक है तो देखिए यहां तक 180, 270, तो 270 माइनस थीटा है, यानी 270 से थोड़ा सा कम, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो स्टेप वन क्या करना था? चेक द क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, यानी हम लेंगे क्या? टेन का वैल्यू पॉजिटिव और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब क्या लेना? नेगेटिव, ठीक है। अच्छा
अब n फाइंड करना है, तो n कैसे फाइंड करेंगे, n कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ 270 को 90 से डिवाइड, जो भी दिया रहेगा उसको 90 से डिवाइड करना है। कितना आ रहा है, 3। 3 यानी क्या, ऑड, 3 इज ऑड, और ऑड में कन्वर्सन होगा, साइन कॉस में कॉस साइन में कन्वर्सन होगा, तो साइन आ गया कॉस थीटा हो गया, कॉस हो गया साइन थीटा, टेन हो जाएगा कॉट थीटा, कॉसेक सेक थीटा, सेक हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉट हो जाएगा टेन थीटा, है ना। आप इसे नोट कीजिए, हम देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 270 प्लस थीटा। तो 270 प्लस थीटा, चेक द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट चेक करते हैं, तो यहां तक तो 270 हो गया, प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक आर पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई कर रहा है, और इसमें कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव लेना है, बाकी सब क्या आ गया, नेगेटिव। और इसके बाद 270 को 90 से डिवाइड करो, एन का वैल्यू लाना है, 270 डिवाइडेड बाई 90 कितना आ रहा है, 3। 3 इज ऑड, यानी क्या होगा, साइन का कॉस थीटा, कॉस से साइन थीटा, टेन हो जाएगा कॉट थीटा, कॉसेक हो जाएगा सेक थीटा, सेक से हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉट हो जाएगा टेन थीटा, है ना। नोट करें इसे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 360 माइनस थीटा, तो 360 कहाँ तक आ रहा है, यहां तक, उससे कम, यानी 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, तो कॉस का वैल्यू और सेक का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब क्या आ गया, नेगेटिव। और देख एन का वैल्यू लाना है, तो 360, ये जो 360 है इसको 90 से डिवाइड करो, फोर आ रहा है, फोर क्या है, इवेन, फोर इवेन, और इवेन में नो कन्वर्सन, इसका मतलब साइन हो जाएगा साइन थीटा, कॉस से कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और क्या आ गया,